फलों के गुड़, ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामग्री से मिलकर बना ये फ्रूट केक सभी के दिल को खुश तो कर ही देता है, साथ ही यह स्वाद और सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। क्रिसमस के मौके पे अगर स्वाद और सेहत से भरी डिशेस का स्वाद लेने का मौका मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डाले जाने की वजह से इस केक का स्वाद तो बहुत ही यम्मी यानी स्वादिष्ट होता है। आप इसमें अपनी पसंद के फल ड्राई फ्रूट डालकर इसका स्वाद अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आज मैं एक क्रिसमस फ्रूट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी की शुरुआत करेंगे सोक करने से। एक बाउल में मैंने यहाँ दो रंग के टूटी फूटी लिए हैं, कुछ काजू, बादाम, किशमिश यहाँ दोनों रंग के हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, थोड़े से खजूर, चेरी और पेठा भी लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स में एक कप ऑरेंज जूस डालकर सोक करेंगे। इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक सोक करेंगे। आप यहाँ अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स और जूस ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ड्राई फ्रूट अलग से रखे हैं बैटर के ऊपर डालने के लिए। आइए अब केक के टिन को ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ केक टिन में मैदे को इस तरह से फैला लेंगे। अब केक का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं। आप यहाँ बटर या घी भी ले सकते हैं। इसके बाद आधा कप पीसी चीनी ऐड करेंगे। इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। पीसी चीनी ना हो तो चीनी को मिक्सी में पीस कर पीसी चीनी तैयार कर सकते हैं। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद एक चम्मच वनीला एसेंस डालकर मिक्स करेंगे। अब यहाँ एक कप दूध लिए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। दूध को थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। एक से डेढ़ कप मैदा, दो चम्मच मिल्क पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से छान लेंगे। अब धीरे धीरे मिलाएंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। यहाँ दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए अच्छी तरह बैटर को मिक्स कर लेंगे। यहाँ केक का बैटर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ दिख रहा है। अब यहाँ सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑरेंज जूस का कलर कितना बदल गया है। सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोक हो गए हैं। तो पहले इसको छान लेते हैं। अब इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को बैटर में मिक्स करेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स करके केक टिन में डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देंगे, जिससे कि यह केक दिखने में भी सुंदर लगेगा। यहाँ गैस पर एक भगोने को प्री हीट होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें केक टिन को रख देंगे और इसे ढक देंगे। लो फ्लेम पर इसे लगभग 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। लगभग 35 मिनट के बाद केक को चेक कर लेते हैं। वाह, केक तो बेक हो चुका है। केक अपना गोल्डन कलर ले रहा है। एक टूथपिक की मदद से केक को चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा और बाकी है। कवर ढक कर इसे 10 मिनट फिर से बेक होने देंगे।
फिर 10 मिनट के बाद केक को चेक कर लेते हैं। केक पूरा कलर लिए हुए बेक हो चुका है, इतना सुंदर लग रहा है। टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे, केक थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे डीमोल्ड करेंगे। केक थोड़ा ठंडा हो चुका है तब इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो ऑरेंज जूस बच गया था उसी से केक को थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट कर लेते हैं। केक के ऊपर जूस को थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। लीजिए, क्रिसमस फ्रूट केक तैयार है। क्रिसमस के इस मौके पर पूरे परिवार के साथ इस फ्रूट केक का स्वाद लीजिए और अपने विचार हमसे शेयर कीजिए। तो कैसी लगी ये रेसिपी? पसंद आए तो लाइक बनता है, इसे फैमिली एंड फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए व्यंजन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैरी क्रिसमस, बाय बाय एंड टेक केयर।